हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। तो मैं अभी फिर से नई रेसिपी के साथ। तो दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं हमारे पास मूंगफली है, पीनट्स। तो आज हम मूंगफली का टिक्की बनाने जा रहे हैं, जो कि बहुत सारे लोग पसंद करते हैं। ये मिट्टी है, तो जिसके लिए मैंने हाफ के जी हमने मूंगफली लिया है, और हमारे पास ये 200 ग्राम चीनी है, और मैं 100 ग्राम शहद का भी यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले तो हमें चाशनी की ज़रूरत पड़ेगी, तो आइए सबसे पहले हम चाशनी बनाएंगे। चाशनी बनाने के लिए एक बर्तन लेंगे, उसमें हल्की सी पानी डालकर हम, अब जैसा कि आप जानते हैं चाशनी कैसे बनती है, तो हम चाशनी अभी सेप बना लेते हैं। तो दोस्तों, हम चाशनी बना रहे हैं, तो जैसा कि आप देख रहे हैं हम आज चीनी से बना रहे हैं। इसे मैक्सिमम लोग गुड़ से बनाते हैं, तो ये चीनी से भी बन जाती है और इसका टेस्ट भी वैसा ही रहता है। तो टिक्की के लिए हमारा चाशनी रेडी है, और ये देखिए, अब हम इसे एक मिनट, हम इसमें 100 ग्राम हम शहद डालकर इसे फिर से पका लेते हैं। आइए अब इसे हम शहद डाल लेते हैं इसमें। तो दोस्तों, मैंने शहद डाल दिया, एक मिनट हो चुका है हमारा इसे चाशनी को पकाते हुए। तो आइए हम इसमें हल्की सी फूड कलर डालेंगे, ताकि जो हमारा टिक्की है मूंगफली की, वो काफ़ी खूबसूरत दिखने में भी लगेगी। तो हमने हल्की सी, ज़्यादा भी नहीं, हल्की सी हमने फूड कलर डाल दिया है, और इसे फिर मैं एक मिनट तक पका लूँगा। तो आइए इसे एक मिनट तक हम पका लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, हमें फूड कलर भी डाले हुए एक मिनट हो चुका है, और हमारा चाशनी रेडी है। तो हम अब हमारा जो पीनट्स है, मूंगफली, हमारा मूंगफली आधा के जी है, तो हम इसे डालकर इसे एक मिनट और पका लेंगे। तो दोस्तों देखिए, हमारा हमने मूंगफली को इस तरह से डाल दिया है, और हमारा टिक्की रेडी हो जाएगा अब। तो आइए सबसे पहले तो हम टिक्की के लिए एक बर्तन लेंगे, अगर आपके पास शीशे का बर्तन है तो बेटर है। तो दोस्तों ये देखिए, हमने एक शीशे का बर्तन ले लिया है, इसके ऊपर मैंने तेल लगा लिया है। दोस्तों आप चाहे, मैंने कुकिंग ऑयल लगाया है, आप चाहे तो घी, बटर, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो आइए इसके ऊपर हमारा जो मूंगफली है, जो टिक्की है, उसे हम इसके ऊपर रख लेते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, हमने टिक्की को इस तरह से फैला दिया है। तो अभी ये गर्म है दोस्तों, तो अभी इसे डिवाइड कर लेते हैं अच्छे अच्छे इसे मैं डिवाइड करूँगा, जो आप शेप देना चाहें। कई लोग राउंड शेप भी दे सकते हैं, कई स्क्वायर शेप दे देते हैं। तो आइए इसे हम शेप दे देते हैं। तो दोस्तों, मैंने इसे काट लिया है, तो आइए इसे हम रूम टेम्परेचर पे आधे घंटे के लिए छोड़ देते हैं, फिर मिलते हैं आधे घंटे के बाद। उसके बाद ये देखिए हमारा रेडी है, तो आप देख सकते हैं, और ये बहुत ही देखिए कुरकुरे टाइप पे सॉफ्ट है ये। तो दोस्तों, आपको ये हमारा रेसिपी कैसा लगा, आप मुझे लाइक कमेंट करके बता सकते हैं। ये काफ़ी टेस्टी बना है। तो दोस्तों, मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।